सीएए का नाम तब्दील करके ओसीयू कर दिया गया है क्योंकि इस पे पूरा कानून साजी हो चुकी है। ड्रग फ्री पंजाब का विजन सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया है। जो बिग फिश है, जो मगरमच्छ है इस घिनौने कारोबार के, अब हाथ उन पे डाला जाएगा। हेरोइन का पूरे नेटवर्क के हेड हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनके खिलाफ 15 सीएनएसए के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। कोई ड्रग सेल कारोबार से चाहे लाभ कमाएगा या अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसे तो उनको भी फ्रीज कर दिया जाएगा। और अगर हम मैं उनका नाम लूंगा तो वो अगली टिकट कटा के दुबई चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इजाज़त नंबर और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। हमारे आज के प्रोग्राम का खसूसी मौजू है कि लाहौर में ड्रग्स कैसे आती हैं और उनके सदेबाप के लिए सीआईए क्या कार्रवाई कर रही है। इस हवाले से हमारे साथ ऑर्गेनाइज क्राइम के एसपी आफ्ताब फुलरवान साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपका और ये बताएंगे जो सीआईए है वो ड्रग्स पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। जी बस सर, ठीक हूँ। अच्छा, दूसरा एक थोड़ी सी तस्दीक कर दीजिए, अब सीएए का नाम तब्दील करके ओसीयू कर लिया गया है क्योंकि इस पे पूरा कानून साजी हो चुकी है और अब इसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ओसीयू कहा जाएगा। ड्रग्स के हवाले से आपने सवाल किया है, तो ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए और ड्रग फ्री पंजाब का विजन सीएम पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिया है और उस सिलसिले में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, सीसीपी लाहौर जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब और डीआईजी साहब उसी इमरान किशोर साहब, उन्होंने हमें एक पूरा प्रोसीजर, पूरा एक एसओपी दिया है कि किस तरह हमने पंजाब को ड्रग फ्री बनाने के लिए बाज़ाब्ता और मुनज़्ज़म कोशिशें करें। इसमें सबसे पहले जो एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई की है वो ये किया गया है कि अब मेन जो बिग फिश है, जो मगरमच्छ है इस घिनौने कारोबार के, अब हाथ उन पे डाला जाएगा। अब वो छोटे जो पुड़ियां बेचने वाले और नशेई टाइप है, कार्रवाई उनके खिलाफ करने का फायदा नहीं है। बिल्कुल, तो अब हमने इस पे क्रैक डाउन किया है। सरहदी इलाकों में जो स्मगलिंग में मुलविस है, जो ड्रोन के जरिए स्मगलिंग करते हैं, जो हेरोइन का पूरे नेटवर्क के हेड हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनके खिलाफ 15 सीएनएसए के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। हम उनके डेरों पर छापे मार के उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। उनमें से कई अब पहली दफा खौफजदा होकर दुबई, साउथ अफ्रीका और कुछ यूरोपीय मुल्कों में भाग गए, जिनको हमने वहां भी माफ नहीं कर, अब उनके हम रेड वारंट ले रहे हैं और रेड वारंट लेके उनको वहां से गिरफ्तार करेंगे। सेकंडली, जो नारकोटिक कंट्रोल का कानून है उसमें यह भी प्रोविजन दी गई है कि अगर कोई ड्रग सेल कारोबार से जायदाद कमाएगा या अगर उसके बैंक अकाउंट में पैसे तो उनको भी फ्रीज कर दिया जाएगा। अब इस सिलसिले में भी वो जो अप्रूवल है फाइनल मरहले पर है। इसके बाद हमने उन ड्रग लॉर्ड्स को, मैं उनके लिए लफ्ज ड्रग लॉर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ड्रग बैरन जो है, अब उनकी जायदादों की बारी आएगी और इंशाल्लाह हम उन्हें दूसरों के लिए एक इबरत का मुकाम बना देंगे कि जो मुआशरे के नौजवान की रगों में नशियात का जहर फैला रहे हैं, हम उनको इस कारोबार में इस कदर सख्त कानूनी इकदाम उठाएंगे कि या तो वो जेल में होंगे या फिर फरार होकर बैठने में चाहे चले जाएंगे, इस मुल्क में आजाद नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ ये भी बताएं कि जो इस वक्त बड़े ड्रग लॉर्ड हैं वो मंगवाते रहे और आपने गिरफ्तार किया, उनमें से कोई प्रोमिनेंट नाम जो है वो बता दें। ये चूंकि उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स या तो अदालतों में है या हमारी टीमें उस पर काम कर रही हैं, तो मैं टेक्निकल तौर पर
پبلکلی نہیں بتا سکتے بیکاز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف ہماری پروسیڈنگ فائنل مرحلے پر ہو اور اگر ہم میں ان کا نام لوں گا تو وہ اگلی ٹکٹ کٹا کے دبئی چلے جائیں گے تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کو عدالت کے تحت میں نہیں لیکن جو اس سال کے رواں سال کے چار پانچ مہینے پکڑے بھی تو گئے ہوں گے ان کے نام بتا دیں کوئی آپ اس طرح کے لاش کے حوالے سے بتا دیں وہ کس ایریا میں وہ آپریشنل تھے ایریا میں ہم کو بتا دیں لاہور کا جتنا بھی سرحدی علاقہ ہے جی تھانہ پٹی تھانہ ملاور تھانہ ہتھیارہ تھانہ پٹا پور یہ گھر ہے یہ گھر یہ منشیات کی بین الاقوامی سمگلنگ کے گھر ہیں وہاں پہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ کئی نسلوں سے کام کر رہے ہیں پہلے وہ بارڈر کراس کر کے کام کرتے تھے اس کے بعد بارڈر پہ سختی ہو گئی سختی کے بعد اب وہ ڈرون کے لیے کاروبار کی طرف آ گئے تو ان شاء اللہ آپ ان کا وہ ڈرون والا راستہ بھی بند ہو گیا اچھا یہ ڈرون والا جو معاملہ ہے یہ بڑا سینسیٹیو ہے تو یہ ڈرون کہاں سے لیتے ہیں ڈرون پہ وہ کیسے کرتے ہیں ٹائمنگ کیا ہوتی ہے اس والے سے کوئی نام نہیں بتا دیتے ڈرون پہ بھی قانون سازی ہو گیا اصولی طور پہ تو ڈرون کا لائسنس ہونا چاہیے رکھنے کا بھی اور بیچنے کا بھی اس میں چونکہ بھی قانون سازی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ڈرون کے لیے جو سمگلنگ ہوتی ہے ڈرون ایک کلو گرام سے لے کے دس کلو گرام تک ہے وہ اچھا ایک کافی دور تک لے جا سکتا ہے اور وہ گوگل گائیڈڈ ہوتا ہے ایکوریٹ پوائنٹ پہ اپنی اشیاء ڈراپ کر کے واپس آتا ہے نہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے نہ گولی لگنے کا خطرہ تو اس وجہ سے اب جرائم پیشہ افراد نے اس طرف طریقہ کار اختیار کر لیا بٹ وہ 100 دن چور کا 1 دن سات کا کب تک بچیں گے ابھی پکڑے بھی جا رہے ہیں ڈرون بھی ہم نے پکڑے ہوئے ہیں ان کو گرفتار بھی کر کے ان کو دلوا رہے ہیں ان سے بھاری نشیات کے بچے بھی ہو رہے ہیں تو اب ان شاء اللہ کا یہ طریقہ کار بھی فیل ہو جائے گا اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کس وقت ہوتا ہے یہ زیادہ تر رات کے وقت یہ کام کرتے ہیں اور انہوں نے سرحدی علاقوں میں اپنے فارم ہاؤسز یا تو بنائے ہوئے یا کرائے پر لیے ہوئے یا وہاں پہ جو ڈیرے ہیں زمینداروں کے تو وہاں سے یہ ڈرون کو اڑاتے ہیں اور پھر منشیات کو سر پار کر سکتے ہیں اچھا آپ نے ڈرون پکڑ لیا اس میں 1 کلو ہیروئن بھی پکڑ لی تو یہ کیسے پتا چلے گا یہ کس نے اڑایا اس کے آپریٹنگ سسٹم کا کیسے پتا چلے گا ہم اس طرح ڈرون نہیں پکڑتے ہم ڈرون اڑانے والے کو پکڑتے اور پھر اس کی نشاندہی پہ وہ ڈرون اور نشیات برآمد کرتے ہیں ان کا ڈرون تو آپ نہیں پکڑ سکتے جی تو آپ ڈرون اڑانے والے کو پکڑ لیتے ہیں یہ پوری ٹیم ہوتی ہے ڈرون والی یہ نہیں کہ ایک بندہ ڈرون اڑا رہا ہے سب سے پہلے نشیات جو کے پی کے اور افغانستان سے پنجاب میں پہنچاتا ہے یہ پہلا نمبر دوسرا وہ جو اس ہیروئن کو آگے پہنچاتا ہے چھوٹے ڈیلر تک چھوٹے ڈیلر کے پاس ایک ڈرون آپریٹر ہوتا ہے ایک رائڈر ہوتا ہے اور وہ سارے مل کے پھر وہاں سے ڈرون کو اڑا کے دوسری طرف پہنچاتے ہیں تو یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے یہ خالی ایک بندہ ڈرون اڑا کے یہ کام نہیں کر رہا اچھا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہیروئن کے علاوہ آئس بھی آ گئی تو ٹوٹل لاہور میں کس کس قسم کا نشہ ہے خاص طور پہ جو ناظر یہ پوچھتے ہیں کہ لاہور میں ہیروئن بنانے والی کوئی فیکٹری تو موجود نہیں تو یہ ساری کہاں سے آتی ہے اس کا روٹ جگہ جگہ سے چیک کیوں نہیں کیا جاتا اس کے بارے میں بتائیں دیکھیے ہیروئن کا اس وقت جو مین پروڈکشن کا کنٹری ہے وہ افغانستان ہے افغانستان کے بعد کے پی کے ہیروئن آپ کے علم میں ہوگا یہ پوست سے بنتی ہے پوست وہ پودا ہے جس سے افیم بنتی ہے افیم کو پھر فردر پروسیس کر کے ہیروئن بنتی ہے ہیروئن کی پھر دو آگے کیٹیگریز ہیں ایک براؤن ہیروئن ہے اور ایک وائٹ ہیروئن ہے اس دونوں کی مختلف قیمت ہے تو مین اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ افغانستان میں پیدا ہو گئی ہے پھر افغانستان سے یہ پاکستان اور پاکستان سے اس کے ہمسایہ ملکوں میں اور لانچوں کے ذریعے دوسرے ملکوں میں یہ سمگل ہو جاتی ہے اب ہیروئن صرف ایک قسم نہیں ہے کوکین جنوبی امریکہ سے آتی ہے اور جنوبی امریکہ سے یہ جائے گی موسٹلی ہالینڈ سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو جاتی ہے مختلف چیزوں سے اور یہ مہنگا ترین نشہ جو ہے کوکین کا ہے جو 1 کلو گرام یہ تقریباً 5 کروڑ سے اوپر کا ہوتا ہے ہیروئن تقریباً یہ مارکیٹ میں جو بیچتے ہیں وہ 15 سے 20 لاکھ کی ہے اور یہی ساتھ میں آئس کا بتا دیں کہ آئس کیسے بنتی ہے
आइस का जो ओरिजिन है वो किसी पौधे से नहीं है, ये प्योर केमिकल है। अच्छा। और ये केमिकल के लिए तैयार की जाती है, इसको क्रिस्टल भी कहते हैं, इसको मेथ भी कहते हैं। सो उसके जो आइस इस्तेमाल करने के बाद उस बंदे की दिमागी हालत बड़ी अजीब सी हो जाती है, वो अपने उसमें अपनी दुनिया क्रिएट कर लेता है, उस दुनिया का वो बादशाह होता है। अच्छा। वो फिर ऐसे ऐसे जुर्म कर जाता है कि आप सोच नहीं सकते। एक बच्चे ने उधर काना के इलाके में क्रिस्टल इस्तेमाल करके उसने गोलियों से अपनी माँ और बहन को मारते, उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। सो फिर एक्सेसिव पिल्स है जिन्हें पार्टी पिल्स कहते हैं, नौजवान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नशे की मुख्तलिफ किस्में हैं जो माशरे के मुख्तलिफ तबका इस्तेमाल करते हैं। और इंजेक्शन जो है वो किस किस्म के होते हैं? मॉर्फिन के इंजेक्शन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और वो इंजेक्शन इस्तेमाल करने के बाद वो मरीज समझता है, मैं उसको मरीज कहता हूँ, वो अपने आप को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है। लेकिन बेसिकली ये एक ज़हनी बीमारी का नाम है नशा। नशे वालों से जो नशा इस्तेमाल करने वाले हैं, घर वालों को, मुआशरे को, उनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए कि जैसे मरीजों को ट्रीट किया जाता है। वो बुनियादी तौर पे जिम्मेदार नहीं है, वो खुद विक्टिम है। ये जो आपको सड़क के किनारे नशेई नजर आता है तो वो विक्टिम है, वो तो खुद उस सिस्टम का दसा हुआ है। तो हमें चाहिए कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पे रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाए, उनका इलाज किया जाए। और जो फैक्ट्रियां जो जहर पूरी दुनिया में फैला रही है, हेरोइन तैयार करने वाली, क्रिस्टल तैयार करने वाली, उनको स्मैश कर देते हैं, उनको खत्म किया जाए। अच्छा, यहाँ ये बता दें कि क्योंकि हर थाने में हम जाते हैं नॉर्मल, जैसे 84 थाने हैं, तो हर थाने में ब्राथर हाउस का, गेस्ट हाउस का, जुए खाने का और इस तरह के जो मंशा फरोश करने वाले अड्डों का पूरा मैप बना होता है। तो जो SHO सरपरस्ती कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कर रही है? देखिए, हम OCD को डील करते हैं। मैं ऐसे डिपार्टमेंट के मुतालिक कमेंट्स नहीं दे सकता जो मेरी चेन ऑफ कमांड में नहीं आता। लेकिन OCU ने आप देखा कि जितना लाहौर में हाई प्रोफाइल क्राइम हो गया उसको OCU ने ट्रेस करना है। जहां पे कोई क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो वहां पे हम वो फोर्स है, पंजाब पुलिस का वो ऑर्गन है कि जब हमें वो मरीज दिया जाता है कि जो किसी के इलाज से ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर OCU उस पर एक्शन करती है। और अलहमदुल्ला वी आर ऑर्गेनाइज्ड टीम अंडर आवर DIG OCU इमरान किशोर साहब। और जब हम काम करते हैं तो हम, आप इसलिए समझे कि 800 बंदों की एक टीम काम कर रही होती है और सारे आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हमें जो भी टास्क दिया जाएगा हम उस टास्क के मुताबिक काम करेंगे, चाहे वो अगवा बरतवान हो, चाहे वो ड्रग्स का हो। ड्रग्स में काम दिया गया तो ड्रग्स पहले बरामद होती थी कि 500 ग्राम पकड़ ली या 1000 ग्राम पकड़ ली। हमने 5-5 मन की कंसाइनमेंट कर दी। हमने अगर हेवन पकड़ी है तो 25-25 किलो हेवन पकड़ी है। अच्छा, ये भी बता दें क्योंकि ये इनका कुछ होता है कि थोड़ी मिकदार हो गई तो उसकी सजा कम होती है जो ज्यादा, ये नाजिम को एक आम फहम में बता दें। देखिए, अब जो CMS का कानून बना है उसमें सजा को मिकदार के लिहाज से किया गया है। सो अगर 100 ग्राम से कम है तो और है, 100 ग्राम से ज्यादा डिफरेंट, 500 ग्राम तक जाएगी तो और है, 1000 ग्राम तक और है। अगर 1000 ग्राम को एक्सीड करेगी तो फिर उसमें सजा और जमानत का वो हर चीज मुख्तलिफ होती जाती है। ये इसलिए ताकि जो मेन ड्रग डीलर्स हैं उनको इस सिस्टम में बांधा जा सके और वो हवालात में, जेल में रहें, क्योंकि उनकी आजादी का मतलब है कि हमारा मुआशरा गैर महफूज हो। और ये जो स्कूलों और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में हेरोइन और आइस देखे, इनके खिलाफ OCU ने क्या कार्रवाई की? देखिए, हम उसी के परचून फरोश हमारी टारगेट लिस्ट पे है। 20 ग्राम 30 ग्राम बेचने वाले वो हमारी टारगेट लिस्ट पे है। हमारी टारगेट लिस्ट पे वो हैं जो मन के हिसाब से कंसाइनमेंट लेके शहर में दाखिल होते हैं, हम फिर उनको गिरफ्तार करके भेजते हैं। और जहाँ तक आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला कर रहा है, जो हमारी स्टडी है उसमें ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में मोस्टली एडिक्ट स्टूडेंट जो हो जाते हैं वही आगे और ग्राहक स्टूडेंट्स में तलाश करते हैं। और उन ग्राहकों के लिए
वो फिर अपना खर्चा भी पूरा करते हैं और इस नशे के जहर को दूसरों तक भी फैलाते हैं। तो उसमें मेरी रिक्वेस्ट ये होगी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से, कॉलेज इंतजामिया से, कि अगर उनके नोट्स में ऐसा कोई एडिक्ट स्टूडेंट आ जाता है कि उस खिलौने कारोबार में, तो फौरी तौर पर उसके पेरेंट्स को बताए और उसको कॉलेज से सस्पेंड करें और पेरेंट्स को कहें कि इसको रिहैबिलिटेशन में जाकर इलाज करें कि कौन जो नशात का इस्तेमाल है व्हाट्सअप ये एक इन्फेक्शन की तरह है। अगर एक इन्फेक्टेड एडिक्ट आएगा तो वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करता जाएगा, तो उनको आइसोलेट कर दिया जाए मेन स्ट्रीम से ताकि हमारे मजीद नौजवान लड़कियों में वो इस बुराई से, इस बीमारी से बच सके। अच्छा, जब से सीएम पंजाब मरियम नवाज ने और खास तौर पर आई जी साहब ने ये टास्क दिया है, तो उस वक्त से लेके अब तक ओसीयू कितने मुजरिमों को ओवरऑल गिरफ्तार किया है और इसके अलावा कितनी आईएस और इसकी ओवरऑल क्वांटिटी के बारे में आवाम को बता दें। देखिए एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन जो चर्च की और फीम की मिकदार है वो हमारी मनों के हिसाब से। अच्छा, जो हेरोइन है वो 100 किलोग्राम से ऊपर है, कोकेन इस तरह कई किलोग्राम से है और आइस आइस भी हमारी 70-80 केजी से ऊपर है जो हम पकड़ देते हैं और इस तरह मुल्कमान करती है। और हमारा आखिरी सवाल ये कि ये जो एएनएफ के साथ एक तो मिलके जो कार्रवाई की जाती है उसके वाले से बताएं वो एंड पे इस सारी जो मंशियात है इसको जाया कैसे किया जाता है, वो भी हमारे नाजी बोल रहे हैं। एएनएफ के साथ हमारा वर्किंग रिलेशनशिप मजबूत है, लेकिन जो जाया करने वाला काम है वो फिर आगे एक्साइज डिपार्टमेंट और कोर्ट्स के जरिए किया जाता है, उसमें ओसीयू का कोई किरदार नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर में ये जो जितना मंशियात का जो ड्रग्स का सिलसिला उसको रोकने के लिए जो ओसीयू की कार्रवाई उसके बारे में बताया, तो हमें बड़ी खुशी हुई आपने तफसील से बताया। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अपने मेज़बान इजाज़त को इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आते होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।